और बड़ी खबर, संपत्ति मालिकों को मिलेगा स्वामित्व का अधिकार। जी हां, पीएम मोदी करेंगे स्वामित्व योजना की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की शुरुआत होगी। 1,00,000 भू संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड मिलेगा। भू संपत्ति मालिकों को मोबाइल पर कार्ड का लिंक भेजा जाएगा और पीएम कुछ लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे भी। सीएम योगी भी जुड़ेंगे। पीएम मोदी कुछ लाभार्थियों से बात करेंगे और सीएम योगी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे स्वामित्व योजना से। 1,00,000 भू संपत्ति मालिकों को स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा। इस योजना के तहत स्वामित्व का अधिकार मिलेगा। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का अधिकार मिलेगा। पहले 1,00,000 लोगों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा जाएगा। आज से 8 राज्यों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। यूपी, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक से इसकी शुरुआत होगी और भू संपत्ति जिनके पास है मोबाइल के जरिए उनको संपत्ति कार्ड मिलेगा। एसएमएस से मिलने वाले लिंक से कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ২০২৪ तक पूरे देश में योजना लागू की जाएगी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री सीधा जुड़ गए हैं। हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। पंचायती राज एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जी से स्वागत भाषण हेतु अनुरोध करता हूं। भारतवर्ष के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह जी रावत साहब, इस कार्यक्रम से जुड़े अन्य राज्यों के उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, अधिकारीगण और राज्यों में इस कार्यक्रम में सहकार कर रहे सभी हितग्राही और कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़े लाखों लाख नागरिक भाइयों और बहनों, आज इस कार्यक्रम में आप सब की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है तब से गांव, गरीब और किसान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता रही है। लगातार इस दिशा में उनका प्रयत्न रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जो हमारे भाई और बहन हैं, उन सब का जीवन जीना सुगम हो, उनको मौलिक सुविधाओं की उपलब्धता हो और वह देश के विकास में अपना सकारात्मक योगदान देने के लिए सक्षम हो सकें। विगत दिनों सारा देश इस बात का साक्षी है, चाहे गांव में सड़क पहुंचाने का सवाल हो, चाहे गांव में बिजली पहुंचाने का सवाल हो, चाहे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के कनेक्शन देने का मामला हो, हर घर में शौचालय उपलब्ध कराने का मामला हो, गांव में ही आजीविका उपलब्ध हो सके इसके लिए 7 करोड़ बहनों को आजीविका योजना से जोड़ने का सवाल हो, हर पहलू पर प्रधानमंत्री जी ने सिलसिलेवार कार्रवाई की है, लक्ष्य तय किए हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता भी प्राप्त की है। और इसलिए मैं आज यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में गांव के विकास की दृष्टि से और गांव में तब्दीली लाने की दृष्टि से जो काम हुआ है वह अभूतपूर्व है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आज इस कार्यक्रम से जुड़े 1 करोड़
31 लाख पंजीकृत नागरिक भाइयों और बहनों की ओर से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको स्मरण है कि 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस होता है। इस वर्ष जब 24 अप्रैल आया तो लॉकडाउन था, कोरोना वायरस के संकट से देश जूझ रहा था। उस समय ये लग रहा था कि इस कार्यक्रम को कैसे करेंगे, लेकिन मुझे ध्यान है कि आपने उस समय भी पंचायती राज प्रतिनिधियों के इस कार्यक्रम को 24 अप्रैल को समय दिया था और 24 अप्रैल के दिन ही दो कार्यक्रमों की आपने अतिरिक्त शुरुआत की थी, एक स्वामित्व योजना और दूसरा पंचायती राज मंत्रालय में ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप का शुभारंभ किया था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में 70 वर्ष पूर्व बंदोबस्त और बाकी भूमि के मानचित्रण की व्यवस्था तो हुई, लेकिन आज दिनांक तक गांव में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके अपने आवास का मालिकाना हक उन्हें प्राप्त नहीं था। जब पंचायती राज मंत्रालय ने यह योजना आपके समक्ष प्रस्तुत की, आपने इसे सहर्ष स्वीकृति प्रदान की और 24 अप्रैल के दिन आपने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया था। अप्रैल से लेकर आज दिनांक तक पंचायती राज मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्यों के पंचायती राज मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय सभी अधिकारियों ने मिलकर पंचायती राज मंत्री केंद्रीय पंचायती